नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं एफ ई फंक्शन। तो उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जो कि आपको फ्यूचर वैल्यू आपके अमाउंट की बता सकता है। तो मैंने उसके अनुसार ही एक एक्सेल शीट तैयार करके रखी है। उसमें मैंने ईयर, सेल्स, अमाउंट और मैथमेटिकल फार्मूला और एफ ई फंक्शन, ये चारों ऐसा पहले से सेट करके रखा है। और जो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज़ है वो 10% है। तो मान लीजिए आपको कोई भी अमाउंट का 10% अगले साल का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो उसके लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है या फिर एफ ई फंक्शन भी होता है। तो देखते हैं हम कैसा करते हैं। तो सबसे पहले जाइए एक्सेल में, वहाँ पर इज इक्वल टू लिखिए और जो आपका पहला सेल्स का अमाउंट है या सेल्स फिगर है उसको दीजिए। अब उसको गुणाकार कीजिए, मल्टीप्लिकेशन, और ब्रैकेट ओपन कीजिए। उसके बाद लिखिए 1 प्लस आपका जो रेट है, रेट ऑफ इंक्रीज जिसको कहते हैं, हम जो करना है आपको तो वो दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर इसको डॉलर आगे और कॉलम और रो को दोनों को डॉलर दे दीजिए, यानी जब आप ड्रैग करोगे तब ये आसानी से ड्रैग होगा और कोई मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, अब इसको रेज कर दीजिए। इसको रेज करना है पीरियड से। ठीक है, ये हो गया। तो ये आ गया आपका मैथ फॉर्मूले से किसी भी अमाउंट का इंक्रीज करना। ठीक है, अभी आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है नीचे, तो ये सारे ईयर का आ जाएगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल फार्मूला से आप किसी भी अमाउंट का फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हो। अब यही आप एफ ई फंक्शन के द्वारा भी कर सकते हो। तो देखते हैं कि एफ ई फंक्शन से कैसे होता है। तो एक्सेल में जाइए, डिजायर्ड सेल में जाइए, इज इक्वल टू लिख दीजिए और लिखिए एफ ई फ्यूचर वैल्यू। उसको सिलेक्ट कीजिए, वो रेट पूछेगा तो रेट उसको प्रोवाइड कीजिए यहाँ से। लेकिन यहाँ पर भी आपको डॉलर साइन देना ही है। डॉलर साइन होता है कि आपका पूरा सेल लॉक हो जाता है। आपको दोनों लॉक करना है, सेल और कॉलम, यानी वो पूरा रो और कॉलम, सॉरी, दोनों लॉक करना है। उसके बाद वो एन पार पूछेगा, तो आप यहाँ पर से सेल रेफरेंस दे दीजिए जो ये है। उसके बाद कॉमा दीजिए, वो PMT पे जाए इसको स्किप कर दीजिए। वो PV पूछेगा तो अभी ये अमाउंट दे दीजिए। ठीक है, इसको माइनस में दीजिए ताकि आपका आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, और यहाँ जाइए, उसके बाद कॉमा दीजिए। ठीक है, और टाइप में दे दीजिए 0 और कर दीजिए ओके। तो यहाँ पर एक रह गया है, इसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी अमाउंट आ गई एफ ई फंक्शन के द्वारा, वही अमाउंट आ चुकी है। तो इसको भी आपको सिर्फ फिल डाउन करना है इसको, और ये आ गई। ठीक है, तो दोनों भी तरीके से हमने देखा कि किसी भी अमाउंट का फ्यूचर कैलकुलेशन, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।